अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12 का वीआईपी वेरिएंट। जब नोट 12 लॉन्च किया गया था तो इसका एक हायर वेरिएंट, आप फ्लैगशिप कह सकते हैं, वीआईपी वेरिएंट भी लॉन्च किया गया था। प्राइस रखी गई है 56,000 रुपीस, जो कि अभी डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से इंक्रीज हुई है। पहले आई थिंक कम प्राइस थी इसकी, 52,000 थी और अब 56,000 रुपीस कर दी गई है। 8GB रैम, 256GB रोम का वेरिएंट है। इसकी तीन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे इसमें 120 वॉट की हाइपर सुपर फास्ट चार्जिंग मिल रही है और इसके अलावा इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके अलावा इसके अंदर 108 मेगापिक्सल के कैमराज मिल रहे हैं। तो यानी ये कि फ्लैगशिप वाली तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एक ऑलराउंडर डिवाइस होगी। तो बॉक्स से निकाल के देखते हैं, बॉक्स में हमें एसेसरीज़ क्या मिल रही हैं, डिवाइस दिखने में कैसी है और क्या क्या डिटेल स्पेक्स हैं, वो शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा जैसे आपको बताया 56,000 रुपीज़ रिटेल प्राइस है, लेकिन 13 जून से इस पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट शुरू हो रहा है। एक्स पार्क जो कि इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और दराज दोनों पे, इस पर आपको 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय करेंगे तो। एक्स पार्क और दराज.pk पे 13 जून से इसकी अर्ली बर्ड शुरू हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स का व्यू दूँ तो सेम वही बॉक्स है जो नोट 12 का था। एक चीज़ चेंज की गई है, यहाँ पे वीआईपी मेंशन है, 8GB रैम, 256GB रोम का वेरिएंट है और बैक साइड पे कुछ स्पेक्स को हाईलाइट किया गया है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगी इस डिवाइस की, 120 वॉट चार्जिंग है, एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले और 108 मेगापिक्सल का कैमरा और मीडिया रेजोल्यूशन G96, यानी सारी चीज़ें इसमें आउटक्लास हैं। बाकी इसमें डिटेल में बात करते हैं, इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले रैपिंग उतार लेते हैं, ये कुछ डिवाइस वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक स्टिकर है, किस तरह से आप PTA अप्रूव डिवाइस को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये मेरे पास इसमें ग्रे कलर है और ये डिवाइस भी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। सबसे ऊपर डिवाइस रखी हुई है बॉक्स ओपन करते ही, और यहाँ पे भी 120 वॉट हाइपर चार्ज को मेंशन किया गया है, एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ और 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, हीलियो G96। तो स्पेक्स सारी ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा इसको हम रैपिंग से निकाल देते हैं बाहर, और ये है हमारे पास डिवाइस, ग्रे कलर है, बहुत खूबसूरत लग रही है डिवाइस, लुक बहुत प्यारा है। अभी ऑन कर लेते हैं, इन्फिनिक्स का लोगो आ गया। जब तक ऑन हो रही है डिवाइस, मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स का कंटेंट। ये कुछ आईमी स्टिकर्स हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका प्रोटेक्टिव केस है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आई थिंक, ये स्टिकर्स हैं, इसकी स्टिकर्स दिए गए हैं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, बैक कवर पर लगाना चाह रहे हो। और इसके अलावा ये एक्स पार्क के बारे में है, एक्स पार्क जो इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिम इजेक्टर टूल है, इन्फिनिक्स का वारंटी कार्ड है, और इसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टिव केस, सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस दिया गया है। इसके बाद है हमारे पास स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया है, ज़बरदस्त ग्लास प्रोटेक्टर है, हर दफ़े की तरह इम्प्रूवमेंट ला रहा है इन्फिनिक्स आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको ग्लास प्रोडक्ट और द बॉक्स मिल रहा है, तो क्योंकि आपको मार्केट से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, नए मॉडल्स का अक्सर मुश्किल से मिल रहा होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक चार्जर मिल रहा है, टाइप सी कनेक्टिविटी हमें केबल में दी गई है, ऑरेंज कलर का अंदर आपको नजर आएगा, और एक बड़ा सा चार्जर है और भारी भी है काफ़ी। अगर हम इसकी पावर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये चार्जर मिल रहा है 20 वॉट 6 एम्पीयर, यानी 120 वॉट का चार्जर दिया गया है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं 120 वॉट हाइपर चार्ज मेंशन भी है, तो अभी चेक टेस्ट भी करेंगे। इन्फिनिक्स क्लेम करता है 17 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाएगी इसकी बैटरी, 0 से 100% 17 मिनट के अंदर सिर्फ चार्ज हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कहाँ तक इन्फिनिक्स का क्लेम सही है, इसको चार्ज करेंगे भी, और डिवाइस पहले ऑन कर लेते हैं फिर डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस यहाँ पे हमारे पास रेडी हो गई है, इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी। डिवाइस की जो फर्स्ट हैंड फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, डिवाइस थोड़ी सी चौड़ी है और बहुत खूबसूरत लग रही है, एक फ्लैगशिप डिवाइस का लुक आ रहा है, और फ्लैट डिज़ाइन है, साइड बिल्कुल फ्लैट है। इसके अलावा बैक साइड पे आप देख सकते हैं ग्रे कलर है मेरे पास, फिंगरप्रिंट्स मैचेस बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास बॉडी हो। जो कैमरा पंप है वो बहुत प्यारा लग रहा है, इसके साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक बड़ा सेंसर लगाया गया है, दो छोटे सेंसर हैं, क्वाड LED फ्लैश के साथ, यहाँ पे 108 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग हुई भी है, साइड पे VIP मेंशन है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हुई भी है, और जो ग्रे कलर के साथ ये डार्क कलर का जो इसमें
फ्रेम दिया गया है, कंट्रास्ट वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश डिवाइस है, डिवाइस बिल्कुल प्रीमियम फील हो रही है, फिनिशिंग बहुत प्यारी डिवाइस की, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा फ्लैगशिप डिवाइस आपने फील की हुई है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, इसके साथ ही पावर ऑन ऑफ की है और यही इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। ऊपर के साइड पर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन माइक लगाया गया है, एयरपीस मिल रहा है, राइट साइड पर सिम ट्रे मिल रही है और 3 कार्ड स्लॉट प्रोवाइड की गई है, 2 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड की स्लॉट है। डाउन साइड पे एक स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग जैक है, टाइप सी कनेक्टिविटी, ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का और बैक साइड की जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक बड़ा सेंसर और 2 छोटे सेंसर क्वाड LED फ्लैश के साथ। और फ्रंट साइड पे आपको स्मॉल होल पंच कैमरा सेंटर में मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करूँ तो यहाँ पे 6.7 inch का डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिलता है, रेजोल्यूशन फुल HD+ मिल रहा है यानी 1080x2400 पिक्सल्स का। ब्राइट है काफ़ी डिस्प्ले, ब्राइटनेस मैंने यहाँ पर फुल की हुई है और आउटडोर पे भी हमने इन्फिनिक्स नोट 12 के अंदर भी चेक किया था, आउटडोर पे भी काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, इवन धूप के अंदर भी आप इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं, आपको वाइड स्क्रीन पे भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था। इसके अलावा यहाँ पे TUV रीहैंडलिंग की सर्टिफिकेशन भी हासिल है इसको, आई कम्फर्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि रेड ब्लू लाइट को रिड्यूस करता है ताकि आपकी आंखों पर खास पसंद ना फर्क ना पड़े। इसके अलावा 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है जिससे आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी स्मूथनेस मिलने वाली है। 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो आप लोगों में से काफ़ी सारे कमेंट में पूछ रहे होते हैं, इसके अंदर आपको विडवाइन की DRM L1 की सपोर्ट भी मिल रही है जिससे आप फुल एच डी प्लस वीडियोज देख सकते हैं स्ट्रीमिंग साइट्स पे, ऐप पे या फिर नेटफ्लिक्स पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था नेटफ्लिक्स पे L1 की सपोर्ट है, तो बिल्कुल इसमें आपको L1 की सपोर्ट मिल रही है, नेटफ्लिक्स पे आप फुल HD+ रेजोल्यूशन में वीडियोज भी देख सकते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 93.1% मिल रहा है, बेजल्स बहुत कम है, चिन का एरिया भी बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको स्मॉल ओपन कैमरा सेंटर में मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कलर गैमेट 100% मिल रहा है, 100% DCI-P3 के मुताबिक। जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 400:1 का मिल रहा है यानी काफ़ी ब्राइट, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आपको डिस्प्ले मिलने वाला है आउटडोर इंडोर दोनों में और 120Hz के रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, स्मूथ गेमिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरास की बात करने से पहले हम इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी डिवाइस है पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम पर अवेलेबल है जो कि 120W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है और यहाँ पे हाइपर चार्ज दी गई है। इसके अलावा सेफ चार्जिंग भी है क्योंकि लोग ज़्यादातर डर रहे होते हैं कि 120W का चार्जर है तो पता नहीं डिवाइस ख़राब ना हो जाए, बैटरी फट ना जाए, तो यहाँ पे सेफ चार्जिंग की सर्टिफिकेशन भी हासिल है इसको TUV रीहैंडलिंग की, जिसमें आपकी डिवाइस सेफली 17 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाएगी 0% से, 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, तो मैं इसको टेस्ट भी करूँगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स यहाँ पे क्लेम करता है कि इसको आप सिर्फ 10 मिनट अगर चार्ज करेंगे तो आपको ये तकरीबन 86 घंटे का म्यूज़िक टाइम दे सकती है, 17 घंटे आप इस पर कॉल पर बात कर सकते हैं, 6 घंटे इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं और 5 घंटे यूट्यूब स्ट्रीमिंग कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के चार्ज से। तो वैसे तो सुनने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है लेकिन हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि 120W की फास्ट चार्जिंग कैसी रहती है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:53 पे मैंने इसको लगाया था 59% चार्ज पे और 5:55 पे 66% चार्ज हो गया, यानी 2 मिनट के अंदर तकरीबन ये 7% चार्ज हुआ है और बाकी जो इसका क्लेम है इन्फिनिक्स का वो भी चेक करेंगे डिटेल में, 0% से 100% 17 मिनट में होता है या नहीं होता। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था 8GB रैम प्लस 256GB रोम का वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल रहा है जिस तरह नोट 12 के अंदर मिल रहा था, यहाँ पे भी आप 13GB रैम कर सकते हैं, 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम 10.6 मिल रहा है, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस करता है एंड्रॉइड 12 पे, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है डिवाइस आउट द बॉक्स और इसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइज के ऑप्शन आपको मिलते हैं, इस पर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। मीडियाटेक हेलियो G96 दिया गया है, पावरफुल गेमिंग चिपसेट है कि हमने परफॉर्मेंस भी चेक करी, इन्फिनिक्स नोट 12 का जो नॉर्मल वेरिएंट था उसमें हमने चेक किया था और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 4500 mAh की बैटरी मिल रही है 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। कैमरा सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हैं 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और कैमरा ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करते ही आपके पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्ट वीडियो और वीडियो का ऑप्शन है, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, AR शॉट, स्लो मोशन, प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स, सुपर मैक्रो का ऑप्शन भी मिल रहा है और ऊपर के साइड पे आपको ये 108MP का ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं, ज़्यादा कलर्स मिलते हैं और आपको ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल्स मिलते हैं। 108MP पे इमेज कैप्चर करके आपको दिखाता भी हूँ और ये मैंने इमेज कैप्चर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स कलर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल मैक्रो शॉट लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने मैक्रो शॉट बिल्कुल 4 cm के डिफरेंस से कैप्चर किया हो,
क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा होता है। ब्यूटी मोड मिल रहा है इस पर, आप कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, अपर्चर एडजस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट को फोकस करके। सुपर नाइट मोड मिल रहा है, अंधेरे में भी अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो मोड है, वीडियो के अंदर आप मैक्सिमम 2K की वीडियो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इन्फिनिक्स की ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे अच्छी लगती है, एक तो वीडियो ब्यूटी मोड मिलता है वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर बुक इफेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है। स्टेबलाइज वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा स्टूडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है और शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जिसमें आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिल रहा है। अंधेरे में भी आप सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम के अंदर आपको दो एलईडी फ्लैश मिलते हैं, अंधेरे में भी काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइट सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। और बैक कैमरा के जो बाकी तीन कैमराज हैं, दो कैमराज हैं उसमें 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सिनेमेटिक आपको सेंसर्स मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। और जो आप ये बड़ा वाला लेंस देख रहे हैं, इसके अंदर आपको सुपर लार्ज अपर्चर मिल रहा है 100 मिलियन पिक्सल्स का विद हाई लाइट इनटेक, यानी आपको बड़ा अपर्चर मिल रहा है, ज़्यादा लाइट इनटेक करेगा तो ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, कलर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बाकी कैमरा क्वालिटी वगैरह, कैमरा सैम्पल्स वगैरह इसके डिटेल रिव्यू में चेक करेंगे। अदर फीचर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, इसको टेस्ट भी करेंगे। और एक्सपेंडेड रैम का ऑप्शन भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको G96 चिपसेट मिल रही है, तो गेमिंग चिपसेट है, तो आप इसको गेमिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, कैमरा सेंट्रिक डिवाइस भी कह सकते हैं, या फिर एक फास्ट चार्जिंग वाली डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसकी बैटरी ज्यादा चलती हो, जल्दी से चार्ज होती हो, देर तक चलती हो। एक ऑलराउंडर डिवाइस है, जिनकी ज्यादा यूजेज होती है बैटरी के हिसाब से, वो भी इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। जो गेमर्स हैं वो भी इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं, क्योंकि G96 की परफॉर्मेंस हम चेक कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, ग्रेफाइन कूलिंग सिस्टम लगाया गया है 9 लेयर के साथ, जो कि रिड्यूस करता है तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेता है अगर आपकी डिवाइस हीट अप होती है ड्यूरिंग गेम। इसके अलावा रैम एक्सपेंडेड का ऑप्शन भी है, तो आपको गेमिंग के दरमियान कोई हैंगिंग वगैरह, कोई लैग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। दो कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया है, एक मेरे पास जो इसका ग्रे कलर है और इसका एक फोर्स ब्लैक कलर भी आता है। अच्छा, मेरे पास नोट 12 भी अवेलेबल है स्टूडियो में, इसकी हमने अनबॉक्सिंग की है, तो आप अगर दोनों का कंपैरिजन करना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर नोट 12 VIP जो है थोड़ा सा इसके मुकाबले में चौड़ा भी है, और ये स्लिमेस्ट फोन है अभी तक का 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला। दोनों की थिकनेस अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम थिकनेस है नोट 12 और नोट 12 VIP की। कलर का डिफरेंस है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, कैमरा बम का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कैमरा सेंसर्स का डिफरेंस है, इसकी कैमरा सेंसर की प्लेसमेंट और उसकी कैमरा सेंसर की प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क होगा। मुझे नोट 12 VIP ज्यादा प्यारा लग रहा है नोट 12 के मुकाबले में, लुक वाइज बात कर रहा हूँ। स्पेक्स में तो है ही नोट 12 VIP काफी जबरदस्त, उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको दूसरे ब्रांड की डिवाइसेस से ऊपर बनाती हैं इस टाइम पे जब मार्केट में तमाम मॉडल की प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें रियलमी 7 प्रो से, जो कि अपनी टाइम की काफी जबरदस्त डिवाइस थी फास्ट चार्जिंग के हवाले से भी, 65 वॉट की इसमें चार्जिंग दी थी, इसमें 120 वॉट की चार्जिंग है, वो भी 50,000 रुपए की डिवाइस थी, 4G डिवाइस थी, 64 मेगापिक्सल के कैमरा वगैरह उसमें मिल रहे थे। इसके अलावा वीवो की तरफ से V23e लॉन्च किया गया था 55,000 रुपीज की प्राइस के अंदर, उसमें भी मीडियाटेक हीलियो G96 लगाया गया था और उसके अंदर 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही थी। फास्ट चार्जिंग वाइज अभी तक का सबसे फास्टेस्ट फोन आपके साथ में पाकिस्तान में जो अवेलेबल है सैमसंग A52s भी बहुत चला 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की स्नैपड्रैगन 720 के साथ 75,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर, उसको भी लॉन्च किया गया था। इसी तरह ओप्पो ने रिसेंटली F21 प्रो को लॉन्च किया था 53,000 रुपीज़ की प्राइस के साथ, उसमें भी स्नैपड्रैगन 680 को लगाया गया, जो कि इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस डिवाइस नहीं है, 64 मेगापिक्सल कैमराज थे। उससे भी कंपेयर करें तो स्पेक्स काफ़ी अच्छी हैं इन्फिनिक्स नोट 12 VIP की, 120 वॉट की हाइपर चार्ज, एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरा, मीडियाटेक हीलियो G96, इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक जस्टिफाई करता है। बाकी मजीद इसके रिव्यू में भी चेक कर लेंगे, गेमिंग कैसी होती है, कैमरास कैसे होते हैं, आपको कैसे लगी डिवाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।